अरे यार गाइस, ये कैसी आवाज आई है? मुझे तो पिंचैन की आवाज लग रही है। पर रात के तो 12 बज रहे हैं, पिंचैन रात को यहाँ कहाँ आएगा? वो तो हॉस्टल में है। अरे पिंचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिंचैन, और तुम धुंधले धुंधले क्यों निकल रहे हो यार? क्या हुआ है? इतनी रात को तुम कैसे आ गए मेरे घर अकेले? अरे हाँ शिनचैन, मैं मर चुका हूँ। हम जिस हॉस्टल में थे वहाँ पे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और हम सबके रूहों पे कब्जा कर लिया है। मोंटी और डायना सबको किडनैप कर लिया है, उन सबको रूहों को कब्जा करके रखा है मॉन्स्टर ने। प्लीज शिनचैन, हम सबको बचाओ। वो हम पे बहुत जुल्म करता है, इसीलिए मैं छुप छुपा के आया हूँ तुमको बताने, ताकि तुम हम सबको बचा सको। प्लीज शिनचैन, हमारी मदद करो। वो हम पे बहुत जुल्म करता है, वो हम लोग को आग में चला देता है। बोलता हूँ मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा। वो कह रहा था आपकी बारी वाइनवुड की भी है, मतलब तुम लोग की भी बारी आने वाली है। यहाँ आए इससे पहले तुम और फ्रैंकलिन भैया मिलके उसको मार दो और हम सबको बचा लो। प्लीज शिनचैन, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगा अगर जान गया कि मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है शिनचैन, मदद करना हमारी। अपने दोस्त से कह दो कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं चलता हूँ, जल्दी हम लोग को बचा लो प्लीज शिनचैन। अरे यार गाइस, हम लोग के ऊपर कितनी परेशानी आ गई है। प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो फिर ठीक है, मैं फ्रैंकलिन भैया को उठाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया जल्दी उठिए। अरे यार क्या हो गया शिनचैन, क्यों मुझे उठा देता है तू रात को? तुझे सुसू आई है तो जाके तू कर लेना, मुझे क्यों परेशान करता है शिनचैन? अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे सुसू नहीं आई है, अभी मेरे पास शिनचैन की आत्मा आई थी। वो कह रहा था कि मुझे बचा लो प्लीज, हम सारे दोस्तों को वो मॉन्स्टर किडनैप किया हुआ है, हम लोग को मार डाला है, प्लीज हम लोग को जिंदा कर दो दोबारा। वो बहुत तकलीफ में है पिंचैन। चलिए फ्रैंकलिन भैया, हम उस मॉन्स्टर को ढूंढ के शिनचैन लोग को जिंदा करते हैं। कितने लोग मर चुके हैं, सबको जिंदा कर देंगे हम लोग। अरे यार शिनचैन, ये कैसे हुआ? अगर वो मॉन्स्टर है तो वो बहुत ही खतरनाक होगा, हम लोग की भी जान खतरे में। पर नहीं, मैं सबको बचाऊंगा। ठीक है चलो तैयार हो जाओ, हम अभी निकलते हैं। हेलो फ्रैंकलिन भैया, अभी तो रात है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? सुबह हो जाने दीजिए तो चलते हैं ना। नहीं शिनचैन, हम बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते हैं, वो मॉन्स्टर कितने मासूमों की जान ले रहा है, हमें अभी निकलना चाहिए। वैसे भी सुबह के 5 बज गए हैं, कुछ देर बाद उजाला ही हो जाएगा। अरे वाह शिनचैन, चलो सुबह हो गई, अब मेरे पीछे आओ फटाफट, अब हम लोग चलते हैं उस मॉन्स्टर को ढूंढते हैं और हम उन मासूमों की जान बचाते हैं जितने की उसने जान ली है। तो पहले हम लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। शिनचैन आना बे। अरे हाँ आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, आप तो और। चल जल्दी से गाड़ी बैठ फटाफट, ज्यादा टाइम मत लगा शिनचैन, तू जल्दी करना यार, तू क्यों इतना स्लो चलता है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, बैठ रहा हूँ, आप तो मुझे परेशान करके रख दिए हैं। हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या हाल है वाइनवुड का, उसने कितनी बर्बादी की मॉन्स्टर ने। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, चलिए हम देखते हैं। अरे यार शिनचैन, लगता है अभी वो मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं आया है, इसीलिए इतना सुकून और शांति है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मुझे भी लग रहा है, पर हमें अपने पिंचैन को बचाना चाहिए, वो बहुत तकलीफ में है और उसके फ्रेंड्स वो बहुत मासूमों की जान लेके बैठा हुआ है। अरे हाँ हाँ शिनचैन, सबर कर, मैं चल रहा हूँ। अरे गाइस, ये सामने कौन खड़ा है? गाइस जैसे मैंने देखा कि वो, देखिए मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, बाप रे बाप, इतना ज्यादा बड़ा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, देखिए इस मासूम लड़की को भी मार दिया इसने। आप बाहर तो निकलिए फ्रैंकलिन भैया, जरा देखिए, और हमें भागना चाहिए जहाँ तक हो सकता है, हम इससे नहीं लड़ सकते हैं। अरे हाँ यार शिनचैन, जल्दी बैठ गाड़ी में, हम चलते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं बैठता हूँ, रुक जाओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं बैठता हूँ, रुक जाओ। चलिए फ्रैंकलिन भैया, जल्दी भागिए यहाँ से, नहीं तो हम लोग का भी नंबर लग जाएगा। पहले हमें लगता है कि इसके जैसे हमें भी बनना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग हरा पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं हरा पाएंगे फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ यार शिनचैन, इसको कैसे हम लोग मारेंगे? हाँ इतना बड़ा है, हम लोग इतने छोटे हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हमको इसकी तरह मजबूत बनना पड़ेगा, तभी इसको हम हरा सकते हैं। पहले फ्रैंकलिन भैया आप घर चलिए। हाँ यार घर चलता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करना है हम लोगों को। फाइनली गाइस हम लोग घर आ गए। अरे फ्रैंकलिन भैया, गाड़ी आप कैसे चला रहे हैं? थोड़ा अच्छे से चलाइए। अरे हाँ यार शिनचैन,
टीचर मुझे बहुत डर लग रही है उस मॉन्स्टर को देख के, और हम मासूम लोगों को कैसे बचाएंगे, वो कितने लोग को मार रहा है यार। अरे हाँ फ्लिंकिन भैया, मेरी पिंचैन को भी उसने मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अबे यार सिंचैन, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये मौसम कैसे हो गया है, अचानक से बारिश वारिश होने लगी है, जरा देख आके मौसम सिंचैन। अरे हाँ फ्लिंकिन भैया, ये क्या हो रहा है, लगता है हमारी दुनिया बर्बाद होने वाली है। नहीं सिंचैन, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है, सबसे पहले हमें उन लोगों को जिंदा कैसे करना है ये सोचना है, फिर उसके बाद उन मॉन्स्टर को यहाँ से कैसे भगाना है ये भी सोचना है। चलो ठीक है, पहले हम लोग आराम से बैठते हैं। अरे हाँ फ्लिंकिन भैया, मैं आ रहा हूँ। अरे यार सिंचैन, हमें पिंचैन की रूह को बुलाना पड़ेगा ताकि हमको पता चल सके उन लोगों को कैसे मारा जा सकता और पिंचैन को कैसे बचाया जा सकता है। अरे हाँ फ्लिंकिन भैया, चलिए ठीक है, मैं बोलता हूँ, पिंचैन की रूह को बुलाता हूँ, शायद वो आ जाए। पिंचैन पिंचैन प्लीज आ जाओ, तुम जहाँ भी हो प्लीज आ जाओ, हमारी हेल्प करो उस मॉन्स्टर को मारने का कोई जरिया बताओ, क्योंकि तुम तो वहीं रहते हो, मर चुके हो, तुम्हें पता होगा। मैं आ गया, अब सिंचैन पीछे मुड़ के देखो। अरे वाह, मेरा सिंचैन आ गया। अरे यार मेरे भाई, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं तुमको बहुत मिस कर रहा था। प्लीज तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारने के बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताओ, ताकि उसे मार के हम तुम्हें जिंदा कर सके। हाँ यार पिंचैन, कुछ तो हल बताओ ताकि हम उसे मार सकें और तुम सबको दोबारा जिंदा कर सकें। अरे हाँ, पहले आप अपने ऑडियंस बोलिए कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जिंदा हो सकूं। अगर आप अपने पिंचैन को जिंदा करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑडियंस आप तो बहुत अच्छे हैं ना। ठीक है, मैं अब बताता हूँ, अच्छे से सुनना मेरी बात। वो मॉन्स्टर एक नहीं कई हैं, और उन लोगों ने कितने लोगों को मार दिया है, मैं भी मर चुका हूँ। वो मॉन्स्टर हम सब पे कब्जा करके ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ वही मार सकते हैं जो उनकी जाति के हो, मतलब कि मॉन्स्टर, बाकी कोई इंसान उन्हें नहीं मार सकता, वो इतने ताकतवर हैं। तो फ्रैंकलिन और सिंचैन, तुम दोनों में से एक को मॉन्स्टर बनना पड़ेगा तभी वो मर सकता है, तुम लोग ऐसे उसे नहीं मार सकते हो। मॉन्स्टर बनने के लिए तुम में से एक को अपनी जान देनी पड़ेगी, तब भी तुम मॉन्स्टर बनोगे। और मॉन्स्टर का सूट मिलता है, मरने के बाद उसको जो पहना दिया जाएगा तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा। अरे यार पिंचैन, ये तुमने क्या बता दिया। अरे हाँ यार पिंचैन, तुमने ये क्या बता दिया, इसका हल सिर्फ एक ही है जिसमें से मरना पड़ेगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम लोग प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत याद आते हो तुम लोग, मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ पिंचैन, प्लीज मुझे बचा लो यार, मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो लोग बहुत मारते हैं यार सिंचैन। अरे यार मेरे भाई पिंचैन, मत मुझे भी रोना आ रहा है, प्लीज गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अपनी पिंचैन को बचा सकूं। प्लीज पिंचैन, तुम मत जाओ, यहीं रह जाओ हमारे साथ प्लीज पिंचैन। नहीं सिंचैन, मुझे जाना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, नहीं तो अगर वो मॉन्स्टर जान गया तो मुझे बहुत मारेगा। ठीक है मैं अब चलता हूँ, प्लीज मुझे बचा लेना सिंचैन। अरे यार गाइस, ये पिंचैन ने क्या बता दिया है, उसे मारने का सिर्फ एक ही हल है, वो है मरना, अब मुझे मरना पड़ेगा यार, अब मैं क्या करूं। फ्रैंकी भैया आप अपनी जान मत दीजिएगा, मैं ही अपनी जान दूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा, आप मेरी हेल्प करिएगा ताकि उन सबको मैं मार सकूं और भगा सकूं। प्लीज दोस्तों आप कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखना ताकि मैं जिंदा हो सकूं, क्या पता मैं मर जाऊं दोबारा जिंदा ना हूं। ठीक है चलिए अब हम मॉन्स्टर बनने चलते हैं। अरे यार सिंचैन नहीं, तू नहीं मरेगा, मैं मरूंगा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता यार, तू मेरा जिगरी दोस्त है, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा यार सिंचैन, प्लीज मेरे को मरने दे, तू मत मर प्लीज सिंचैन। नहीं फ्लिंकिन भैया, मेरा भाई पिंचैन मरा है, मैं ही अपनी जान दूंगा, मेरी ऑडियंस जरूर मुझे जिंदा करने के लिए पार्ट टू बोलेंगी। अच्छा ठीक है, जब तू इतनी जिद कर
करता है तो चल ठीक है चलते हैं हम लोग। यार सिंचन तू मरने जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता सिंचन। अरे फ्लैंकिन भैया, मुझे उन मासूमों की जान बचानी है और उनके साथ साथ मेरे भाई पिंचैन की भी, मुझे मरना होगा। आप घबराइए मत फ्रैंकलिन भैया, मेरे ऑडियंस बहुत अच्छी है, पार्ट टू बनाने के लिए जरूर बोलेंगे। आप बोलेंगे ना तभी तो मैं जिंदा हो सकूंगा ना। प्लीज पार्ट टू जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। ठीक है अब मैं मरने जा रहा हूँ। सिंचन मेरे यार, मेरे दोस्त, तुमने अपनी जान दे दी, पर ये क्या मौसम पूरा चेंज हो गया है और सिंचन मॉन्स्टर भी नहीं बना है। अरे यार हम लोग के साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है, वो पिंचैन साथ झूठी खबर सुन के आया हो और बता दिया हो। वो बच्चा तो है, उसे क्या पता क्या सच क्या सही। उसे पता चल गया होगा मॉन्स्टर को कि हाँ ये लड़का जासूसी कर रहा है, उन्होंने गलत बात बोली हो, वो सच समझ के आके बता दिया। गाइस अगर ये झूठ निकल गई तो मेरा सिंचन मर जाएगा, वो कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। प्लीज आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा सिंचन जिंदा हो सके, मैं उसे जिंदा कर सकूं। प्लीज यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है। अरे यार गाइस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। अरे यार गाइस मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं गॉड जिला बन गया। यार मुझे तो मॉन्स्टर बनना था, क्या मैं उन लोगों को हरा पाऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। सिंचन मेरे दोस्त तुम यहीं रहो, मैं उनको मार के मैं तुम्हें जिंदा जरूर कर पाऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। मॉन्स्टर अब तुम्हारी बारी है, तुमने बहुत मासूमों पे जुल्म कर लिया है और मेरे सिंचन की जान ली है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मैं फ्रैंकलिन आ रहा हूँ तुम्हारी मौत बन के। गौर जिला में आ गया, मेरा नाम है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरे दोस्तों को छोड़ोगे नहीं तो। तुम्हारी वजह से मेरा सिंचन मर गया प्यारा दोस्त, और पिंचैन और उसके साथियों को भी छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे ना मॉन्स्टर। मेरा सिंचन मरा तब मैं गौर जिला बना हूँ और तुम्हें अपनी धरती को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुमने मेरा नाम सुना ही होगा फ्रैंकलिन, समझे ना। तुम्हारे लिए यही भलाई है कि तुम मेरे दोस्तों को जिंदा कर दो और जाने दो, और मेरे फ्रैंकलिन को भी, समझे ना। ओए मुन्ना क्या तू नशे में है क्या, तुझे नहीं दिख रहा मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। हाँ तू मेरे सामने पिद्दी है पिद्दी, एक हाथ मारूंगा तो मर जाएगा तू, समझा ना। हा 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 हा, मैं ये पूरी दुनिया पे राज करूंगा, पूरी दुनिया, समझा ना। तो फ्रैंकलिन हो या कुछ भी हो, मैं किसी से नहीं डरता, और तेरे सिंचन को मैंने नहीं मारा, तू गॉड जिला बना है इसीलिए वो मर गया है, अब वो कभी जिंदा भी नहीं हो सकता, समझा ना। अकड़ रहा है ना कि तू गॉड जिला बन गया है, गॉड जिला बन गया है। देख तू कितना छोटा है मुझसे, मैं तेरे सामने पहाड़ और तू मेरे सामने चींटी, समझा ना। तो अकड़ मत दिखा, तू यहाँ से चला जा नहीं मैं तुझे खत्म कर दूंगा, और कभी फिर दोबारा यहाँ पे दिखाई मत देना, ये धरती मेरी हो जाएगी, तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। एलिफिंकिंग भैया मेरे सिंचन को क्या हो गया, वो कैसे मर गया है। अरे गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, तो मरा ही था, मेरा भाई भी मर गया है। अरे हाँ पिंचैन अब हम लोग जिंदा नहीं हो पाएंगे, ये तो मॉन्स्टर बहुत बड़ा है और अपने फ्रैंकलिन भैया उससे छोटे हैं, हमें कौन बचाएगा पिंचैन। ओए बुरु घबराना, अपन फ्रैंकलिन बहुत दिमागदार है, वो कुछ ना कुछ करके अपने को बचा लेगा। यार दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं इस मॉन्स्टर को हरा के अपने दोस्तों की जान बचा सकूं। वो मेरे आश्रय पे खड़े हैं कि मेरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बचाएंगे। प्लीज आप लोग अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे ताकत मिलेगी या कोई आइडिया ऐसा मिलेगा जिससे मैं इन सबको जिंदा कर सकूं। अरे दादी मैं भी गौर जिला हूं पर मैं कभी बल नहीं पाया हूं, ऐसा लिए आप ना इस गौर जिला से बोल दीजिए मुझे अपनी शक्ति दे दे, मैं बड़ा गौर जिला बन जाऊंगा, फिर हम दोनों मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे। दादी आप इतने बले हैं और मैं आपके घुटने तक भी नहीं आता हूँ, प्लीज दादी इससे बोल दीजिए ये अपनी शाली शक्ति मुझे दे दे। आप बोल दीजिए दादी कि अगर शक्ति मुझे दे देगा तो आप इसके दोस्तों को जिंदा करके छोड़ देंगे, प्लीज दादी बोल दीजिए दादी। अरे मेरा मूर्ख बेटा, मैं इन सबको नहीं छोड़ सकता, नहीं तो फिर मैं दुनिया पे राज नहीं कर पाऊंगा। तुम छोटे हो छोटे ही रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। नहीं दादी अगर मुझे आप नहीं बनाएंगे गौर जिला पड़ा तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा, मैं चला जाऊंगा आपको छोड़ के। अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ, ठीक है इन तीन को जिंदा कर देता हूँ और फिर जाने देता हूँ, और बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं इन सबको फिर मार दूंगा। ठीक है मेरे बेटे मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सुनो गौर जिला, तुम अगर अपनी शक्ति मेरे बेटे को
को दे देते हो वो बड़ा गौडजिला बन जाएगा, तो मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा जो है यहाँ पे। और मेरा सिंचैन को जिंदा कौन करेगा? मैंने तुम्हारा सिंचैन को नहीं मारा है, तुम पता लगाओ उसे किसने मारा है। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों की जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या तुम अपनी ताकत हमारे बेटे को देना चाहते हो? बोलो, सौदा मंजूर है? अगर मंजूर है तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं तुम सबको अभी ही खत्म कर दूंगा। अरे यार दोस्तों, ठीक है मैं मान जाता हूँ, ऐसे तो मेरी भी जान बच जाएगी और मेरे दोस्तों के भी। फिर हम लोग सिंचैन का पता लगाएंगे कि वो कैसे जिंदा होगा। वैसे भी ये मुझसे बहुत बड़ा है, मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूँ कि इसे हरा सकूँ। ठीक है मॉन्स्टर, मैं तैयार हूँ अपनी शक्ति देने के लिए। पहले तुम मेरे दोस्तों को जिंदा करो, फिर मैं उसके बाद मैं इसे मॉन्स्टर बनाऊंगा। ठीक है, ये लो, मैंने जिंदा कर दिया इन लोगों को, अब तुम मेरे बेटे को अपनी शक्ति दो। तुम लोग ठीक हो ना? बताओ जल्दी से। मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हो गया। अरे हाँ फ्लैंकी भैया, मैं भी। बिलू मैं भी। तो ठीक है, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं अपनी शक्ति दूंगा, तो तुम्हारे बेटे को मैं अपनी शक्ति देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा किया, जैसा कि तुम्हारा बेटा गौडजिला बन गया है। अब मेरे दोस्तों को छोड़ दो और मुझे जाने दो। ठीक है, ले जाओ अपने दोस्तों को। गाइस क्या तुम लोग ठीक हो? हाँ सबके सब ठीक हो? अरे हाँ हम सब ठीक है। सिंचैन तुम ठीक हो यार? मैं नहीं ठीक हूँ फ्रैंकलिन भैया, मेरा सिंचैन कैसे मर गया है, उसे हम कैसे जिंदा करें, किसने उसे मारा है? अरे यार सिंचैन, मुझे खुद इसकी तकलीफ है कि हमारा सिंचैन नहीं। पहले साथ मेरे सब लोग घर चलो, हम सिंचैन को ढूंढने का कोई हल निकाल ही लेंगे। हमारे दोस्त है ना, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि हाँ पार्ट टू बनाओ, ताकि उसमें मेरा सिंचैन जिंदा हो सके। अरे हाँ गाइस प्लीज, मैं सिंचैन हूँ, आप लोग पार्ट टू लिखिए ताकि मेरा भाई सिंचैन भी जिंदा हो सके। आप लोग पार्ट टू जरूर लिखना, ठीक है? हाँ पार्ट टू जरूर लिखिएगा। चलो ठीक है, सब लोग बैठो, हम लोग घर चलते हैं। सिंचैन को देख, उसकी बॉडी ऐसे ही पड़ी है, उसे हमें रखना पड़ेगा। अरे यार तुम झगड़ा मत करो यार, बैठ जाओ जिसको जहाँ जगह मिल रही है। वो टिमोन कहाँ गया? अरे बिड़ू मैं बैठा हूँ, मेरी फिक्र मत करो। चलो ठीक है यार, अब हम घर चलते हैं। अरे फ्लैंकिन गाड़ी धीरे चला ना, मुझे गाड़ी पे पीछे बैठा तो दिए हो, मुझे बहुत डर लगता है गाड़ी पे पीछे, मैं कहीं गिर ना जाऊं। गोपा तुम घबराओ मत, मैं गाड़ी धीमे ही चलाऊंगा, ठीक है? वैसे भी हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है गाइस, हम घर आ चुके हैं, चलो जल्दी जल्दी गाड़ी से फटाफट उतरो। अरे हाँ, मुझे पहले मिले सिंचैन के पास ले चलिए फ्लैंकिन भैया, मैं अपने सिंचैन के पास जाना चाहता हूँ। अरे हाँ ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरा सिंचैन यहीं पे है। यार गाइस प्लीज पार्ट टू जरूर लिखिएगा। गाइस प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ पार्ट टू जरूर लिखिएगा। अरे यार सिंचैन, मेरे सिंचैन की बॉडी तो यहीं पे थी, क्या हो गई सिंचैन की बॉडी? अरे फ्रैंकिन तुम ठीक से देखे देखे नहीं, मेरी सिंचैन की बॉडी कहाँ गई? अरे यार मैं खुद परेशान हूँ, उसकी बॉडी कहाँ चली गई? बिल्कुल यहीं जस्ट रखी हुई थी। यार गाइस कौन ले गया मेरी सिंचैन की बॉडी, कौन मेरे सिंचैन के पीछे पड़ा हुआ है? मैं खुद परेशान हूँ यार, मेरे सिंचैन की बॉडी कहाँ चली गई? अरे यार ये मौसम अचानक से कैसे बदल गया है? फ्रैंकलिन भैया, अरे यार इस तो सिंचैन की आवाज आ रही है। सिंचैन तुम वहाँ खड़े हो मेरे यार, मेरे दोस्त, अरे तुम्हारी बॉडी में ढूंढा था, तुम तो जिंदा हो गए। नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैं जिंदा नहीं हुआ हूँ, मैं मर चुका हूँ, मेरी बॉडी को किसी ने गायब कर दिया है। प्लीज दोस्तों आप पार्ट टू बोलिए, ताकि मेरी बॉडी को ढूंढ के फ्रैंकलिन भैया जिंदा कर सके मुझे, प्लीज। हाँ यार गाइस प्लीज, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ पार्ट टू जरूर लिखना कमेंट्स में, ताकि मैं अपने सिंचैन को जिंदा कर सकूँ।